नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष, आप सभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को स्वागत है आप लोगों का चैनल हाउ कैन आई हेल्प यू पे। दोस्तों, डेली एजुकेशन न्यूज के इस एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। दोस्तों देखिए, UGC की तरफ से जो गाइडलाइंस पब्लिश किया गया था, जहां पे बताया गया था सितंबर एंड तक जितने भी सारे फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, हर एक एग्जाम को खत्म करना पड़ेगा। तो फिलहाल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट बंगाल के जितने भी सारे रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर था और वेस्ट बंगाल के एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चटर्जी सर के साथ जो मीटिंग कंडक्ट हुआ था, इसके बाद डिसीशन लिया गया था और एक लेटर UGC को सेंड किया गया था, जहां पे बताया गया था जो एग्जामिनेशन है सितंबर पे नहीं, अक्टूबर पे जो आप लोगों का एग्जाम है इसे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो फाइनली UGC की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से इसका अप्रूवल मिल गया है और ये जो लेटर था WB गवर्नमेंट की तरफ से, UGC की तरफ से एक रिप्लाई दिया गया है, जहां पे बताया गया है जो एग्जामिनेशन है आप लोगों का, जितने भी सारे फाइनल सेमेस्टर का एग्जामिनेशन पहले कंडक्ट नहीं हुआ था, तो आप सभी स्टूडेंट का जो एग्जाम है अक्टूबर 1 से जो है आप लोगों का कंडक्ट करवाया जाएगा वेस्ट बंगाल पे। आप जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी आप लोगों का जो फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम है ये अक्टूबर महीने में कंडक्ट करवाएगा और जो आप लोगों का रिजल्ट है अक्टूबर एंड तक, मतलब 31 अक्टूबर से पहले आप लोगों का जो रिजल्ट है ये रिजल्ट को आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना सा ही अपडेट है। फ्यूचर में भी एजुकेशन रिलेटेड और भी ज्यादा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी ओपिनियन या कोई भी सवाल आप लोगों के मन में है तो कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।